जवाहर सिंह जाट राजा सूरजमल का प्रतापी ज्येष्ठ पुत्र था। वो अपने पिता के समान वीर और साहसी था, लेकिन वो उनके समान नीति निपुण एवं विनम्र नहीं था। उसके उद्धत स्वभाव और उग्र व्यवहार से पिता सूरजमल उससे अप्रसन्न रहते थे। प्रमुख जाट सरदार भी उससे असंतुष्ट रहते थे, किंतु उसकी वीरता के सभी प्रशंसक थे। एक बार जवाहर सिंह डींग के राजमहल में अपनी माता को प्रणाम करने के लिए गया। उसके सिर पर शानदार पगड़ी बंधी हुई थी। उस पगड़ी को देखकर राजमाता ने रोते हुए कहा, बेटा, तेरे बाप की पगड़ी तो दिल्ली में पड़ी हुई है, मुगलों की ठोकर खा रही है, और तू ये शानदार पगड़ी बांधे हुए है। इसकी शान तो तब रहेगी जब अपने पिता के मृत्यु का बदला दिल्ली के शासकों से लेगा। माता के मर्म स्पर्शी वचनों को सुन वीरवर जवाहर सिंह का खून खौलने लगा। उसने माता के चरण छू प्रतिज्ञा की कि वो शीघ्र ही उस अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली प्रस्थान करेगा। 1821 में जवाहर सिंह ने विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। उसके साथ 60,000 जवान और 100 तोपों की जाट सेना थी। 25,000 मरहठों की सेना मल्हार राव होलकर की कमान में थी और 15,000 सिख सेना थी। जवाहर सिंह का उद्देश्य दिल्ली के नवाब वजीर नजीबुद्दुल्ला रुहेले से सूरजमल के खून का और पानीपत में हार जाने से हिंदुओं के स्वाभिमान को पहुंची हुई ठेस का बदला लेना भी था। जब रुहेला वजीर ने जाटों के इस यान का समाचार सुना तो उसने सहायता के लिए अहमद शाह अब्दाली के पास विशेष दूत भेजा और उसे बुलाया और दूसरे रुहेले सरदारों को भी बुलावा भेजा, लेकिन उसका साहस जाटों से युद्ध करने का नहीं हुआ। वो दिल्ली के चारों ओर के फाटकों को बंद कराकर आत्मरक्षा की व्यवस्था करता रहा। सेना ने चारों ओर से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी आरंभ कर दी। गोलाबारी को विफल करने के लिए शाही सेना के कई दलों ने जाटों से संघर्ष किया, किंतु उन्हें सदैव पीछे हटना पड़ा। इस घेराबंदी और गोलाबारी में 3 महीने निकल गए। दिल्ली की जनता को बड़ी कठिनाई और परेशानियां उठानी पड़ी। खाद्य वस्तुओं के अभाव में लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। नजीबुद्दुल्ला ने समझाने बुझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु भूखी जनता नगर के फाटकों को तोड़कर बाहर निकल पड़ी और जाट सेना के शिविर में जाकर खाद्यान्न की भीख मांगने लगी। जवाहर सिंह ने उस अवसर पर खाद्यान्न का वितरण कराया। उस विषम परिस्थिति से घबरा कर रुहेला वजीर नजीबुद्दुल्ला ने जाटों के साथ संधि का प्रस्ताव किया। जवाहर सिंह ने अपने पिता सूरजमल की मृत्यु के बदले में पूरा मुआवजा लेकर संधि कर ली।